कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। वो क्या है जिंदगी के जिसमें अज़्म न हो, हो कदर क्या फिर खुशी की जो गम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए। चिताया दिल को समझाया, वो क्या है जिंदगी के जिसमें आंसू न हो, हो कदर क्या फिर खुशी की जो हम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के। अब बस भी करो यार, तुम सारी रात से पी रहे हो, तुम थप्पे नहीं हो क्या? अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। बड़ा दिन है, तुम ना पियो मैं तो पियूंगा। अच्छा महसूस कर रहा, बहुत खुश हूं मैं आज, आखिरकार मेरा दोस्त अमेरिकन बन गया, मैं तो खुशी मनाऊं। 10 साल बस आलू छीलते हुए और बर्तन धोते हुए गुजर गए, इतना आसान नहीं था ये। एक बात बताओ, अमेरिकन शहरी बनने पर कैसा लगा? क्या मतलब है तुम्हारा कैसा लग रहा है? मतलब क्या सोच रहे? घर याद आता है। अच्छा वाकई? सच कह रहा हूँ लियोन, सच में घर की बहुत याद आती है, घर के नूडल्स, घर का खाना और वहाँ की गलियाँ। तुम भी तो घर से दूर हो यार, तुम्हें याद नहीं आती? हाँ तुम जानते हो मेरे पास घर नहीं है, और वैसे भी मुझे घर की जरूरत नहीं है। बेकार की बातें छोड़ो यार, बस करो यार, कितनी पियोगे? हाँ ये तस्वीर अभी तक यही है। आज कहीं जाना मत, डंपलिंग्स बनाएंगे हरी प्याज के साथ। तुम जानते हो मुझे हरी प्याज से एलर्जी। मैं तो मजाक कर रहा था।
क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरे बाप की मौत हो गई और तुम यहाँ क्यों लेटे हो? बोलो, खामोश क्यों हो? सोचता हूं अगर उसी लम्हे मर गया होता और अगर अभी मर जाऊं तो किसी को नीचा दिखाया हो या किसी को तनहा छोड़ा हो, सोचूंगा कि मेरी जिंदगी में क्या खला रह गया था। मेरे वालिद होते तो क्या सोचते? अब घर चलो। तुम फर्स्ट क्लास में क्यों बैठे हो? मैं और मेरा बाप इकोनॉमी क्लास में बैठे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने इकोनॉमी क्लास में सफर नहीं किया, जैसा चाहते वैसा ही करते थे। ये दे दो मुझे, तुम जाओ। लेकिन क्यों, मैं क्यों इकोनॉमी क्लास में सफर करूं? मुझे भी बेहतर सहूलत दी जाए। वाह, फर्स्ट क्लास के लिए मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? ये बकवास है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे हैं। कुछ बातें जहन नशीन कर लो। पहली, मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़े वक्त के लिए है, तुम्हारे पैसों में से मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। दूसरी ये कि जो कुछ तुम्हारे बाप ने कमाया तुम्हें उसी वक्त मिलेगा जब तुम्हारी उम्र 18 साल होगी। तीसरी ये कि फर्स्ट क्लास में सफर करना है तो कोई काम धंधा करो, अब वापस जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? मेरे लिए किया क्या है? तुम कहना क्या चाह रही हो? अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो अपनी जान भी कुर्बान कर देता, इतने अच्छे दोस्त थे मेरे, पता नहीं क्यों बच गया मैं और कैसे तुम्हारा सरपरस्त बन गया। इसीलिए तुम्हारा सरपरस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, पहले कोई काम करो, पैसे कमाओ, उसके बाद जो दिल में आए कर लेना, अभी तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। जाओ यहाँ से। मुझे पता है किसके साथ कैसे पेश आना है। ए, पता नहीं मेरे वालिद ने तुम जैसे इंसान के साथ कैसे दोस्ती कर ली। तुमने कभी अपने बात करने का अंदाज देखा है? सुनिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, प्लीज अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, प्लीज हमारे साथ तावन कीजिए। नहीं कर सकती। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ शोर करने से क्या होता है, वापस जाओ अपनी सीट पर। देखिए, इसी तरह अगर आप जिद करती रही तो हमारी फ्लाइट ताखीर हो जाएगी। ब्राय मेहरबानी मेरी बात को समझे, इसमें सबका नुकसान हो जाएगा। मैं बता चुकी हूँ मैं बात नहीं मानूंगी। ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा तो आराम कर लेने दो, कोई जगह खाली नहीं है इसके लिए। पैसे कम है तो मुझसे ले लो। ये दौलत किसी और को दिखाएं। आप खामोश रहें। सुनो, अपने पैसे अपने पास रखो, मैं अपनी बच्ची को समझा रहा हूँ, तुम इससे क्या मसला है? क्या ये तुम्हारी बच्ची है? पागल कहीं के। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सारे पैसे इस बैग में डाल दो, हाथ ऊपर, हिलो मत, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। यहाँ का जिम्मेदार कौन है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? तुम, मैंने पहले भी कहा है हाथ ऊपर रखो, जो कुछ है सब मुझे दो। क्या है ये, मुझे दो। निकलो, अरे निकलो भारी यहां से, चलो जल्दी मेरे साथ चलो। कोई है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को कहां से बुलाऊं, मेरा तो फोन ही तोड़ दिया उसने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने उसके सामने पैन क्यों उठाया? वो तुम्हें जान से मारने वाला था। अगर मैं मरता तो तुम्हारी गलती की वजह से मरता, अंदाजा भी है कितने खतरनाक लोग थे, सभी मारे जाते। तुम पागल हो क्या, बेवकूफ इंसान। क्या करता मैं देख नहीं सका वो बच्चा तुम्हें मार रहा था।
तुम्हारे इस हथियार ने हमें इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचा देना था, समझे पागल इंसान। यहां जान पे बन गए और तुम्हें हंसी आ रही है? ये पेन जरा छोटा है। ए, ए। कौन शोर कर रहा है? कोई आराम से सोने देगा मुझे? अगर कोई मसला है तो तुम फ्लाइट अटेंडेंट को बुला लो। इस डब्बे में क्या रखा है? क्यों बताओ? तुमने ये सब जानबूझकर किया। अरे किस्मत, हटाओ ये सब यहां से। अब क्या हुआ? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की मदद करने का। जब तुम सो रही थी तो ये तुम्हारे ख्वाब में नहीं आया तुम्हारा शुक्रिया अदा करने? हाँ? बेकार आदमी। क्या हुआ छिनफाम? एक हफ्ते से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुमने मेरे किसी कॉल का जवाब तक नहीं दिया। मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं वापस आ चुकी हूँ और तुम्हें आधा घंटा देती हूँ। चाहे कुछ भी हो, रिंग कराओ या उड़ कराओ, मैं आऊँ तो तुम मेरे सामने हो। आइए मैडम। कैसी तैयारी है आज की तकरीब की? जिन लोगों को बुलाया है उनको दोबारा देख लीजिए। केक काटते वक्त सब लोग मौजूद होने चाहिए, ध्यान में रहे, खास तौर पर लाइटिंग और साउंड। मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। ओके, ये अच्छा है। मिस्टर जियांग, क्या पसंद है आपकी? ये अंगूठी तो बहुत ही जबरदस्त और कीमती है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ऐसी अंगूठी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हम बिल के सेटलमेंट बाद में देखते हैं। शुक्रिया सर। जल्दी आओ और इनमें फूल सजा दो। यहाँ सामान मत रखें। मिस जैन, देखो यहाँ जगह नहीं है, वहाँ रखना होगा, मेहमान आते ही होंगे। प्लीज तुम खुद भी देख लेना, टाइम बहुत कम है और सामान भी सेट करवाना। जी जरूर। हेलो शैली, सब ठीक चल रहा है ना? बस तुम मैनेज कर लो। मिस्टर जैन पूछ रहे हैं क्या आज आपसे इनकी मुलाकात हो पाएगी। हाँ जी जरूर, बिल्कुल। ये तजवीज उन्होंने दी है, क्या आपको कबूल है? अच्छा मैं देख कर बताती हूँ। हेलो, माज़रत चाहूंगा, अब क्या कहूँ, मैं तकरीब में शरीक नहीं हो सका। कोई बात नहीं, मैंने कवर कर लिया था। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। एक बात कहूँ तुमसे, अपना पसंदीदा लिबास पहन कर आना और वो भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। ठीक है, बिल्कुल फ्री होते ही पहुँचती हूँ। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने छिनफाम के पास जाने का बोला था। रोको गाड़ी, उतरना है मुझे। ओ गाड़ी रोको। मिस, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है, बराए मेहरबानी मुझे परेशान न करें। तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? उनको अमरीकी शहरियत मिल गई लेकिन फिर भी वो आखिर में वापस आना चाहते थे। आखिरकार वापस आ ही गए। मेरा ख्याल है उन्होंने डर कर जिंदगी गुजारी। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तुम्हारे डैड की तरह जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऊपर से थोड़ा डरपोक दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से चट्टान की तरह मजबूत होते हैं, और कुछ तुम्हारी तरह के होते हैं जो सिर्फ
अपने लिए जीते हैं। गुस्से से भरे होते हैं और अंदर से नाकाबले बर्दाश्त। और तुम्हारी कौन सी किस्म है? मालूम नहीं उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा था, उन्होंने मुझे एक शराबी के हवाले कर दिया। क्या तुम मुझे बस एक शराबी ही समझती हो? इससे भी ज्यादा बढ़कर तुम एक जुआरी हो, नामाकूल, एक खोखले इंसान हो तुम। इतनी ज्यादा नफरत? क्या मैं तुम्हारे लिए बस यही हूँ? और तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देखती हो जैसे मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ? और अगर ऐसी बात है तो कैसा लगेगा तुम्हें एक कातिल की सरपरस्ती में रहते हुए? तुमने अपने वाहिद दोस्त को कत्ल कर दिया। नफरत है मुझे तुमसे। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब खत्म। मार दिया तुमने उन्हें। तुम एक कातिल हो। मार दिया तुमने मेरे बाप को। इस नफरत को मरने मत देना, शायद तुम्हारी जिंदगी आसान कर दे, समझी? मिस्टर जांग इस वक्त मीटिंग में है। वो इस वक्त मीटिंग में? सर इस वक्त मीटिंग में है। सामने से हटो। आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती। इस वक्त मीटिंग में। मैडम मेरी बात सुने, आप अंदर नहीं जा सकती। चिनफांग कहाँ है? तुमने उसे कहाँ भेज दिया? तुम वापस आ गई, एयरपोर्ट से घर क्यों नहीं गई? ड्राइवर क्या कर रहा था? फजूल बातें छोड़ो, क्या किया तुमने उसके साथ? मैं सोच रही थी कि उसने मुझसे एक हफ्ते से रابطہ क्यों नहीं किया। सच बताओ मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और बताऊंगी कि तुमने उसे कैद किया है। उसे किसी ने कैद नहीं किया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो खुद अपनी मर्जी से गया है शेंजन। शेंजन, वो बगैर कुछ बोले कैसे चला गया? सच बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? वो गरीब है इसलिए तुम उसे पसंद नहीं करते हो। तुम लोगों की नजर में गरीब होना एक जुर्म है। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है तो वो मेरे साथ गलत ही करेगा। तुम जानते हो तुम जैसे लोगों का अंजाम क्या होता है? तुम जैसे लोग कभी जान नहीं सकते कि कौन तुम्हारे साथ मुखलिस है। मुझे गरीब लोगों से कोई नफरत नहीं, मुझे बस तुम्हारा ख्याल है। साफ साफ कहो कि मेरी कोई औकात नहीं। और यहां से जाने के उसे कितने पैसे दिए? तो ऐसा लगता है तुम्हें वो तुम्हें पैसों के लिए छोड़ देगा। वैसे तुम काफी परेशान हो उसके लिए। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे। मैं वापस आया हूं तीन चीजों के लिए। पहली, तुम्हारे डैड को घर लाने के लिए। दूसरी, तुम्हारी सरपरस्ती तुम्हारी मां को देने के लिए। और तीसरी, एक ऐसी जगह जो ठंडी और ऊंची हो जहां खुद को रस्सी से लटका सको। गंदगी फैलाने के लिए। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ मेरे साथ, तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हें खाना खिलाएगा। लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं लगता कुछ मसला है? हमारा सामान कहाँ है? है सामान? ओहो, तुम क्या कर रहे हो? सामान, सामान कहाँ है? क्या सामान? यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं डैड के ख्यालों में गुम थी, तुम खाली हाथ क्यों हो? तुम्हारे हाथ भी तो खाली हैं। कहाँ ना मैं अपने डैड के ख्यालों में गुम थी। मुझे लगता है वो टैक्सी में रह गया है। क्या मतलब तुम्हारा? टैक्सी में रह गया मतलब सामान गया। अब हमें सामान के बगैर ही जाना होगा। तुम्हारे लिए तो ये आसान है। बात सुनो, कपड़े और मेरा सारा सामान इस बैग में था। अब मैं क्या करूँ बताओ ना। तुम कुछ करते क्यों नहीं? पुलिस को बुलाओ ना, रिपोर्ट करो ना। अब हम क्या करेंगे बताओ? एम्बेसी कॉल करना चाहिए। मैं अमरीकी हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। मेरा सब कुछ इस बैग में था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुमने कहा था खाना खिलाओगे, कहाँ जा रहे हैं हम? तुम मुझे दो हफ्ते पहले अमेरिका भेजना चाहते थे, इसके लिए तुमने डैड को इस्तेमाल किया ताकि मेरा उससे ताल्लुक खराब हो। अब तो खुश हो ना? मैंने कुछ बुरा नहीं सोचा। अगर वो ताल्लुक तोड़ना चाहता है तो मुझे हैरानगी होगी। क्या तुम राजी हो? हाँ?
कीमती लगती है। साल गिरा है आज गांजिंग की, क्या कुछ बड़ा करने का इरादा है? वो क्या कहते हैं, कभी अपने दोस्त की बीवी से दिल लगी ना करो। मुझे शर्मिंदा कर रही हो, तुम्हें हालात का पता नहीं। तुमने अपनी सब हदें पार की, लेकिन तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है, क्या ये ठीक है? मेरी बात सुनो, कोई बेवकूफी मत करना, सबसे अच्छी तरह पेश आना। जियांग हाउकन, याद रखो मुझे परेशान करने वाला सारी जिंदगी पछताता है। मिलते हैं, मैं शेंजिन जा रही हूं इसी वक्त। हेलो। हे, कैसे हो दोस्त? मैं वापस आ गया हूं। कौन बात कर रहे हैं? अरे भाई, अब क्या मेरी आवाज भी नहीं पहचानोगे? सोचो यार, लुयोन हूं मैं। लुयोन, तो तुम वापस आ गए, कहां थे इतना अरसा? तुम कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। हाँ, मैं यहीं पर। कहां? बॉस्टन या सैन फ्रांसिस्को? शंघाई, बस 2 घंटे पहले ही आया हूं। तुम आ गए? हाँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पर पैसों का कोई उधार तो नहीं है? अच्छा है, खुशी हुई। हम 3 साल से नहीं मिले, तुम्हारी आवाज सुनी तो माजी याद आ गया। मिलते हैं दोस्त, याद आ रही थी इसलिए फोन किया। क्यों नहीं, लेकिन आज रात थोड़ा मसरूफ हूँ। फिक्र ना करो, मिलते हैं कुछ दिनों में, फिर साथ में डिनर भी कर लेंगे, क्या ख्याल है? चलो, तुम मसरूफ हो तो कोई और दिन रख लेते हैं यार। चलो ठीक है फिर। तुम्हें तो अमेरिका में क्या, चाइना में भी कोई नहीं जानता, इससे बेहतर हम घर चले जाएं। सही कहा, मैं बदकिस्मती का दाग हूं, जिन लोगों के साथ चिपक जाता हूं उनकी किस्मत खराब हो जाती है, जैसे कि तुम्हारे डैड। हो गया तुम्हारा, बोल दिया जो बोलना था तुम्हें, दोबारा उनका नाम मत लेना। हेलो। हेलो लियोन, ऐसा है कि आज रात एक पार्टी रखी है, पार्टी ऑफिशियल नहीं है, बस एक प्राइवेट गैदरिंग है, तुम आना चाहोगे? आओगे तो खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे यार, जरूर। मिलते हैं फिर आज रात। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। देखा, मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं बदला, खाने पे बुलाया मुझे। हे, और किसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, और कोई नहीं? अरे अरे अरे, मोबाइल की नहीं दिल की बात कर रही हूँ। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं करना चाहोगे? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तुम जहाज से उतरते ही उससे मिलने को बेकरार लग रहे थे। तुम उसे यहाँ अपने होने का एहसास दिलाओ, तुम उससे मिलना तो चाहते हो पर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई खौफ है। उसका जिक्र बिल्कुल मत करो। जियांग हाउकन बहुत अमीर आदमी है। हाँ। मेरे स्कूल का दोस्त है। खाना कहाँ है? इस तरफ आओ। इसी तरफ। जरा तमीज से, लोग देखकर क्या कहेंगे। लगता है पहले तुमने कभी खाना नहीं देखा। मैं तुम्हें ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ और ज्यादा खाना है। आ जाओ उस तरफ, गोश्त पहले खाओ। बस 2 टुकड़े डाल दें। इसकी 2 प्लेटें तैयार रखें, बस हम अभी आते हैं।
ये तो बहुत ही मजे का है। थोड़ी शर्म करो, लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा है। जरा अपनी पॉकेट करीब करो, जल्दी करो। किस लिए? डालो इसमें। तुम साथ साथ खाते रहो, बस बस इतना भी नहीं, वरना खाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम बर्थडे केक कब खाएंगे? चॉकलेट होना चाहिए बस। वैसे आज तारीख क्या है? ये लड़की कौन है? वैसे इनकी जोड़ी कमाल है ना? शुक्रिया, आप लोगों के आने का बेहद शुक्रिया। आज मेरे और गांजिंग के लिए बहुत ही खास दिन है। पहले तो मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे दोस्त की कंपनी से है। उनकी ख्वाहिश है कि आप उनके साथ एज अ डिजाइनर काम करें। उनको आपका काम बहुत पसंद है। उन्हें टालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसे कबूल करें। शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये जॉब तुम्हें मेरी वजह से दी गई है। तुमने अपनी अथक मेहनत और कोशिश से उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। उम्मीद है कि तुम उन्हें मायूस नहीं करोगी, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी सरपरस्ती में ये स्टूडियो बहुत जल्दी तरक्की करेगा और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और ये कि सबसे खास बात, आपको सालगिरह मुबारक हो। ये तुम्हारी तीसरी सालगिरह है जो हम साथ मना रहे हैं। मैंने इसके बारे में काफी पहले से सोच रखा था कि सब कुछ कैसा होना चाहिए, बैंकेट कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी यादों के अनमित नखोश हो जाए। तो जब तुम इसके बारे में सोचो तो मुस्कुराओ। मेरे लिए काफी मुश्किल रहा इस बारे में सोचना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें महंगी और बनावटी चीजें पसंद नहीं। तो मैं इसी कश्मकश में था कि तुम्हें क्या तोहफा दिया जाए। मुझसे शादी करोगी? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकता। तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी हो। जब तुम अमेरिका गई थी तो मुझे लगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने इंतजार किया तुम्हारे वापस आने का, मगर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कभी मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शादी करना चाहता हूं तुमसे। हाकुन, प्लीज उठ जाओ। क्या हो गया? ये सब करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इस दुनिया में कोई खुश नहीं रख सकता। गांजिंग, मुझसे शादी करोगे? इस घर में हमारी शादी होगी। हम नाश्ता, लंच और डिनर साथ करेंगे और सोफे पर एक साथ फिल्म देखेंगे। हर हफ्ते अपने दोस्तों को घर बुलाएंगे और इसी घर में हमारी पहली औलाद होगी। और क्या ही बात हो कि हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी औलाद भी यहीं पैदा होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू, प्लीज मुझसे शादी कर लो।
वाह, बहुत खूब, क्या तकरीर थी, क्या बात है आपकी, अच्छे जज्बात थे आपके। हेलो हेलो, पहचाना मुझे? चलो चलो उठ जाओ, उसने कोई जवाब नहीं दिया और तुम घुटने टेक कर बैठे हो। याद आया, स्कूल का दोस्त? मैं वही हूं जो इससे शादी करना चाहता था। हेलो, काफी अरसे के बाद मिले मेरे दोस्त, तुमने मुझे बिल्कुल ना उम्मीद नहीं किया, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, बहुत शुक्रिया। वैसे सच कहूं तो तुम्हारी तकरीर सुनने के बाद जो बात मुझे अब तक समझ आई है वो ये कि शायद तुम अपने एहसानात गिनवा रहे थे। हम तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं, जब सब कुछ जानते हैं तो फिर बात घुमाने की क्या जरूरत थी। अगर तुम इसे पसंद करते थे तो मुझे बताना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं है? चलो एक बात बताओ, जिस साल मैं यहां से गायब हो गया था क्या तुम्हें मेरे जाने की तकलीफ हुई, मुझसे नफरत की या शुक्र अदा किया? आखिर तुम चाहते क्या हो? सबके सामने शर्मिंदा ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है क्योंकि मुझे इसकी फिक्र है, समझे? मेरे भाई, ये कोई तरीका नहीं है किसी को यूं सबके सामने लाकर खड़ा कर देना और सबके सामने प्रपोज करना, फिर उन सब लोगों से राय लेना जो सबके सब तुम्हारी साइड पर हों। ये शादी तो नहीं जबरदस्ती हुई, इसके मुंह पर तो साफ साफ नो लिखा है, ऐसा ही है ना? बहुत दिनों बाद देखा, याद तो करती होगी मुझे। चलो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर इसे प्रपोज करते हैं, इसे भी मजा आएगा चुनने में, क्या ख्याल है? अंगूठी का भी इंतजाम कर लेते हैं। फेंग जिया, कहाँ हो तुम? अंगूठी है तुम्हारे पास? क्यों नहीं, ये गांजिंग। इतने साल गुजर गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोला। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहा हूं मैं? चलो एक काम करते हैं, जो ऐसे उठा ले जाएगा ये उसकी हो जाएगी। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया था, इसने खुद मुझे बुलाया था। असल में तुम दोनों साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जा सकती हो गांजे, बस मेरी एक आखिरी बात सुन लो, अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो अच्छा लगेगा। मेरी जिंदगी तो तुम्हीं पर खत्म हो गई थी। रिश्ता नहीं रखना चाहते थे तो तुम एक बार कहकर तो देखते मुझसे, यूं मेरा दिल दुखा कर कैसे चले गए। मैंने कितने फोन किए कुछ अंदाजा है? सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कभी नंबर ऑन हो जाए, लेकिन वो हमेशा बंद मिलता,
वो नंबर आज भी नहीं भूली मैं। जानते हो मेरे दिमाग में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम्हें कुछ होना क्या हो और मर तो नहीं गए तुम। पीछे हटो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कहा ना, इतने बेहिस कैसे हो सकते हो तुम, और यूं आज अचानक सबके सामने आ गए और मुझे प्रपोज भी कर दिया। किस बुनियाद पर, क्या समझते हो खुद को, झूठे हो तुम, धोखेबाज हो। तुम ठीक कह रही हो, मैं मानता हूं। गंजिंग, उन तमाम सालों के लिए और आज के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। चुप करो, पहले दिल दुखाते हो हाँ, और फिर माफी मांग के समझते हो कि सब कुछ ठीक कर लोगे तुम। मुझे तुम्हारी माफी कबूल नहीं, नहीं कर सकती माफ। तुम और वो कब से? बकवास बंद करो अपनी। दोनों अच्छे लग रहे थे साथ, प्रपोजल कबूल क्यों नहीं किया? तो कर लूं अभी जाकर। हाँ, अगर वो सिंसियर है तो तुम कर सकती हो। तो उस वक्त हिम्मत कहाँ थी तुम्हारी? कह देते ना, वहां चुप क्यों खड़े रहे? अजनबी बनकर एक कोने में खड़े होकर वहां तमाशा देखते रहते। मगर तुमने हाँ नहीं की, मुझे पता था कि तुम हाँ नहीं करना चाहती। ठीक है, क्यों चली गई थी तुम? अब यहाँ क्या लेने आए हो मेरे पास? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। फेंग हाय अब नहीं रहा। मैं उसकी बाकियात और उसकी बेटी को लेकर आया हूं। मुझे माफ कर दो कांचे। और प्लीज रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम उसके साथ हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम उसकी क्या लगती हो? इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? Can you speak English? I don't like to speak Chinese. Your food kind of sucks. If I wasn't starving, I wouldn't be eating it. Is it for free? I don't have any money. Fine. Who are you? Do you know where he is? तुम्हारा बोलने का अंदाज अजीब है, जैसे कोरियन। क्या देख रहे हो? मैं अमरीकी शहरी हूँ, बुरी नजर से मत देखना, मैं एक बच्ची हूँ, वरना जेल जा सकते हो। यानी उर्दू बोल सकते हो? हे, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों क्या कर रहे होंगे? वैसे कुछ बुरा ही कर रहे होंगे, वरना मुझे अकेला क्यों छोड़कर जाते? वैसे मुझे लगता है तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। जरा देखो तो, तुम उसे दिल में चाहते थे लेकिन उसने पहल की, फिर तुमने इंतजार किया और इंतजार ही करते रहे उस वक्त का जब तक दोनों अलग ना हो जाएं, और फिर तुमने उस मौके का फायदा उठाया। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं जानती हूँ, अगर तुम मसरूफ नहीं मैं कुछ बोलूं। अच्छा, तो जब तुम दोनों साथ थे क्या उसने कभी लियोन का जिक्र किया? अगर किया है तो तब तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तब तो तुम्हें पता करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है उन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा ये बताएं, क्या आप मुझे एम्बेसी छोड़ देंगे?
ठीक हो ना? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जैसे मैंने कॉलेज में तुम्हारे जूते चुराए थे। लो, मैं लेकर आ गया हूं उसे। हे जांग हाउकुन, तो तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम इतना प्यार करते तो पहले क्यों नहीं बताया? जब हम अमेरिका में थे तुमने ही कहा था कि इसे कुछ मत बताना, कि तुम किन किन तरह के मसाइल में घिरे हुए हो। क्या तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा था? क्या मैं गांजिंग को इस बारे में बता दूं? बिल्कुल नहीं, उसे कुछ मत बताना, बस उसका ख्याल रखना और उसे तालीम मुकम्मल करने देना। जहां तुम हो जहां।